नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सेस 24 और मैं आपके साथ हूं अभिषेक विजय। प्रियंका चोपड़ा आए दिन खबरों में बनी रहती है, कभी अपने स्टाइल के लिए, कभी विवादों के लिए, तो कभी अपने ट्रोलर्स की वजह से। एक घटना है जब प्रियंका चोपड़ा ने अपने अस्थमा का हवाला देते हुए स्मोकिंग का और फायरवॉक्स का विरोध किया था, वहीं कुछ दिन बाद उनका एक फ़ोटो आ गया जिसमें कि वो स्मोकिंग करते हुए नज़र आ रही थी। इसके बाद क्या था, इसके बाद नेटिजन्स को मौका मिल गया और उन्होंने प्रियंका को ज़बरदस्त ट्रोल किया। अभी का मौका आपको बता दें, अभी प्रियंका चोपड़ा क्यों विवादों में है। अभी लॉस एंजलिस में एक लाइव इवेंट के दौरान पाकिस्तानी मूल की एक महिला ने उन पर चिल्लाते हुए सवाल कर दिया और उन पर दोहरेपन का आरोप लगाया। पाकिस्तानी महिला ने उनके यूएन गुडविल एम्बेसडर होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर को बढ़ावा देती है और भारतीय सेना को भड़काती है। जब प्रियंका चोपड़ा ने मार्च में एक ट्वीट किया था और इंडियन आर्मी की प्रशंसा करते हुए जय हिंद लिखा था। आपको बता दें कि इसके बाद पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका को सिर्फ लाइव इवेंट में ही नहीं बल्कि ट्विटर पर भी सामने आकर खूब लताड़ा। पाकिस्तानी महिला ने अपनी आइडेंटिटी ट्विटर पर जाहिर करते हुए प्रियंका चोपड़ा से कहा कि इट वॉज हार्ड लिसनिंग टू हर से वी शुड बी नेबर्स एंड लव इच अदर, स्विंग दैट एडवाइस ओवर टू योर PM, बट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर इन डेंजर एंड इंस्टेड सी ट्वीटेड आउट इन फेवर फॉर न्यूक्लियर वॉर। इसके बाद भारतीय यूजर्स ने आयशा मलिक को ट्विटर पर खूब लताड़ा और आयशा मलिक को पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करने को कहा।